चैनपुर प्रखंड के बिंदोरा पंचायत अंतर्गत गुलाबगंज गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में गुलाबगंज सहित आसपास के गांव के हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं दुर्गा वाहिनी की बहनों ने माथे पर कलश लेकर मंदिर प्रांगण से गुलाबगंज नदी गए, जहां से जल भरकर पुनः मंदिर पहुंचे। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और इस दौरान भक्ति दोनों हर हर महादेव के नारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान होता रहा। नौसे पुरोहित जगन्नाथ शास्त्री, मुन्नू पाठक, गोपाल पाठक व बैगा ननकू मुंडा के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, जिसके बाद 11 बजे भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। तत्पश्चात 2 बजे से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया था, जहां हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि संध्या 6 बजे से 12 घंटे का अखंड हरि कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संतोष सिंह, चमना बैठा, अजय राम बैठा, उमेश सिंह, रामप्रसाद सिंह, राजकुमार भगत, रामचरण चिकबड़ाईक, सिब्रू बड़ाईक, महेश जायसवाल, सुरेश जायसवाल, दिनेश जायसवाल, महावीर जायसवाल, जगदीश जायसवाल सहित कई लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।